हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड डे है। कल हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और कल कुछ किया नहीं मैंने, थोड़ा बहुत बस मार्केट घुमा था मैंने। और उसके बाद आज मैं निकलने वाला हूँ दिल्ली के लिए। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी बहुत मार्केट आपको दिखा दूंगा कैसे लोकल कल्चर है यहाँ का, कोची का। और फिर अभी ब्रेकफास्ट भी आ गया गाइस फाइनली। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कोची में, वेदर बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू है मेरे होटल से। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं निकलने वाला हूँ यहाँ के दिल्ली के लिए, तो बाहर में जाके थोड़ा बहुत मार्केट आपको दिखा सकता हूँ। इवन हमने प्लान किया था मुन्नार जाने का, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कोची में बंद हैं, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। और इवन वहाँ पर जो है पहाड़ी रास्ता है, यहाँ से कम 3 घंटे लगते हैं मुन्नार पहुँचने के लिए, तो वो वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत आ रखी है, तो इसलिए वो रास्ता बंद कर रखा है अभी, तो मुन्नार बंद था, तो हमको वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद हमने एड्रेस किया, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर लंच ऑर्डर करेंगे, आराम से 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। सो गाइस दिस इज माय रूम। बहुत सही है। मेरा मकसद आपको मार्केट लाने के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोकोनट ऑयल निकाला जाता है। एक शॉप है जहाँ पे कोकोनट ऑयल निकालते हैं ये लोग, आपकी आंखों के सामने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल है। और जो कोकोनट वाटर्स वो देते हैं वो 1 लीटर, 1/2 लीटर, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स के कैन में मिल जाता है आपको। और वो जो कोकोनट वाटर है पूरा फ्रेश है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिले रहते, जो कि 2 महीने तक वैलिड रहता है। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज अगर घूमने के लिए मिलता तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली जाता, कल भी जाता, लेकिन कल वो लैंडस्लाइड की वजह से मुन्नार का प्लान हमको कैंसिल करना पड़ा, वाटरफॉल, वरना मैं आपको वाटरफॉल लेके जाता। अभी कोई नहीं। सो ये मेरा एक छोटा सा स्टे है यहाँ पे कोची में। पिछले 6-7 दिनों में कम से कम 3 जगह में घूम चुका हूँ। अच्छा है, वर्थ ट्रैवलिंग। और वैसे भी आप कोरोना टाइम से अंदर बैठे 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 परेशान हो जाते हो, तो कभी आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जॉब कि ट्रैवलिंग के लिए मिलता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप लेना चाहते हो, खाने के लिए बहुत सारी वराइटीज़ हैं यहाँ पे, इवन ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मसाले के लिए ये जगह फेमस है। और उसके अलावा अगर आप मसाले के अलावा बात करते तो चिप्स, केले के चिप्स मिल जाएंगे, कटहल के चिप्स आपको मिलेंगे, और अलग अलग वराइटीज़ के चिप्स हैं, मैं आपको दिखाऊँगा किसी शॉप में ले जाके, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में, और वो कम से कम लंबे टाइम तक चलते हैं, आप सालों साल लेके जा अपने साथ, सालों साल उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरे पीछे आप शॉप देख रहे हैं, तो जो कोकोनट ऑयल की मैंने बात कर रखी थी वो इस शॉप से आपको मिलता है, तो आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑयलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑयल होता है, कोई प्रिजर्वेटिव है नहीं उसमें, बेस्ट पार्ट। तो मैं दिखाता हूँ आपको। She being a college student, and after her studies she comes and have a work and study scheme. We are doing that way also. Okay. And this is the healthiest way of oil production, not only in Cochin, Kerala, India. So this is the healthiest way of oil production, edible oil production, not only in Cochin, Kerala, India,
in the universe, and we are the only people who are doing like this. Fully transparent, fully clear, fully visible, fully the thing like this. And we are the suppliers for US, US people, Europe, entire UAE. They are taking it for medicinal value. And we careless Govans and certain parts of Karnataka, that is around Mangalore side. And this is the traditional way, though it is primitive method, it is the healthiest way of oil production, coconut oil production. What is happening is we are using only dry coconut in the quality dry coconut is always used. And the second one, this is cold press. That is cold press means the crushing is taking a very low temperature, so the particles of oil, coconut oil, doesn't have any transformation. That is raw oil. This oil we daily take in the morning in empty stomach will keep away from all stomach disorders and control cholesterol and keep away from this Alzheimer's disease. This is only medicine with the papaya. This is only medicine for Alzheimer's, Alzheimer's. I think you may be pronouncing Alzheimer's like this. And we careless are using for cooking also. That is according to the direction of the doctor. And 1 teaspoonful of we careless use like this, Govans and Karnataka people, this is around Mangalore side. We take not only one spoonful, taking after for rice, with along with rice we are taking it. In my house, we are the traditional people in this field, coconut growers, okay. And for everything, morning to evening, you know, porridge, rice porridge, we use only for rice porridge in the morning, lunch, for lunch only rice, and the evening dinner, we use only porridge, rice porridge. You know, porridge in Malayalam is known as kanyi. And kanyi, that is yesterday's rice with the, we put it in water. And in the morning, we take it with that is porridge. We take a handful of rice and we pour 1.5 spoonful of this oil. Only so this it oil. Is good for your hands? That will keep away from all stomach disorders and control cholesterol and for Alzheimer's, for everything. And care-likes people's healthy is for the former generation health is because of this rice. This is the cold press method. The filtering only through this filter. Packing also the traditional way, that is manual packing only, and fully visible. And the second part, there's three types of oil production in the universe. One is this one. This is the healthiest. And the second one is moreover, the byproduct of this one, that is oil cake, that is used for human consumption purpose, for making what we are consuming as coconut flour, biscuits, mittai, barfi, toffee, lonavala, chikki, and for cookies. Everything is made of this from this byproduct, that is oil cake, that is copra in Malayalam. Okay, hello, pinnaku. Okay, byproduct. And that contains 35% of the oil. Okay. And the other way of production is expeller method, that is in hot process. Hot process? In this way, hot process, 50% of the oil will be getting. In commercial ways, that is expeller wise production, that will fetch us 70 to 75% of the oil. In extreme heat, what is happening is, in extreme heat, hydrogenation and oxidation, like this will take place, and the hydrogen oil will cause artery block. Okay, that is for commercial wise. And another part is that oil cake is used for only for cattle feed. Okay, this one is for only for human consumption purpose. The other part is for cattle feed. And the third part of the category of oil production is from extraction, that is extraction and extrusion.
in this oil, after the crushing this oil cake is used with mixed with this water, petroleum jelly. And the petroleum jelly will cause, that is, that will cause with near meager amount. And that oil is exclusively to be used for only industrial purpose, that for meant for paint company like that. But the people who are doing only for business purpose, they are doing it, they are mixing it with oil and selling it. That's all. How we are packing it and everything you can see. How long we can use this? Shelf life, that is shelf life. Yes, how long we can use this oil? Shelf life, that is, that is known as shelf life. Shelf life is 3 months. For getting best result, used within 3 months. That's all. This is a traditional way, primitive method by cold pressed and natural and fully visible, not only visible, full transparent, full greater quality. And there's a saying, you know, sun rises in this, but in that way you can see. Original things has your shell life very very little. Okay. Original things has what, if it is higher shelf life, that means something is added. For getting the best result, use within the saying is, original things has got very short life. Okay, it's a universally accepted fact. Okay, we are the only suppliers. We are in hoteliering, international catering business, flight catering, and Lucia Flight Kitchen. You know that Lucia Flight Kitchen. We are the pioneers in Kerala for the international catering. We are the Lucia Group of Hotels. In Trivandrum we started. Okay, let them all know about us. And this is the healthy, for 1 teaspoonful of this oil daily in the morning in empty stomach, will keep away from stomach disorders, control cholesterol, and for Alzheimer's, this is the only medicine. Oh, and we are doing it, it's the healthiest way of production, and have the greater quality copra is you are dry coconut is used. Okay, then another thing is, this is fully transparent. We are doing, there is no hiding, nothing, nothing like that. Being Corona date, we are not supposed to enter anybody to the premises. That is a global fact. Otherwise, you can have everything, you can inspect, you can even help in our work. And you can send it to your friends, then they will be getting some orders. Then in that case, we are having more business too. Happy Onam, sir. Thank you. Okay. Happy Onam. कोकोनट ऑयल कैसे फ्रेश कोकोनट ऑयल यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो इसके बेनिफिट्स आपको बता ही दिए कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। आप 1 टीस्पून यूज़ कीजिए अर्ली मॉर्निंग में, तो खाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 3 महीने इसकी वैलिडिटी है और प्लस आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाद में आप इसको हेयर ऑयलिंग के लिए ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी शॉप थी, तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज अभी कोरोना चल रहा है तो मैं अंदर जा नहीं सका, तो उन्होंने अलाउ किया नहीं, नहीं तो मैं आपको अंदर जाके पूरा प्रोसेस इसको दिखाता। लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगा जब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, तो आई कैप्चर एवरीथिंग एंड आई मेक अ वीडियो कि कैसे ये लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड कोई प्रिजर्वेटिव है नहीं, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि कोई भी ओरिजिनल चीज़ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। अगर कुछ लंबा चल रहा है, अगर कोई लंबे टाइम से चल रही है चीज़, तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें एडल्ट्रेशन है खाने को लेके। अगर किसी की एक्सपायरी 2 साल 3 साल 5 साल तक की होती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिला हुआ है। काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे, आई एम रियली हैप्पी। सो अब जाने का टाइम आ गया है, अब चलते हैं होटल, पार्किंग करते हैं, फिर निकलने का टाइम। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। Thank you.